दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट पावर में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास रहने वाली है जो ग्राम सेवक भर्ती 2020 की तैयारी कर रहे हैं और नए न्यू वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसके सिलेबस, योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिलेबस मैं आपको ग्राम सेवक भर्ती 2016 के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं। जैसे ही इसका नया सिलेबस आएगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि प्रश्न पत्र में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वह 100 अंक के होंगे और प्रश्न पत्र की जो समय अवधि है वह 2 घंटे की रहने वाली है और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पी होंगे और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहने वाली है। और दोस्तों परीक्षा में न्यूनतम जो उत्तीर्ण अंक है वह 40% है और इससे कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा। यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट पर बताया गया है कि सामयिक विषय, तो सामयिक विषय में क्या बताया गया है, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाएं और क्रीड़ा। इसके बाद दोस्तों यहां पर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताया गया है कि यहां पर विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशिष्टियां, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। इसके बाद दोस्तों भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन। इसके बाद दोस्तों राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियाँ एवं मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्या। इसके बाद दोस्तों राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खान एवं खनिज, वन, भूमि एवं जल, पशु संसाधन और दोस्तों वन्य जीव एवं संरक्षण। ये दोस्तों आपके भूगोल और प्राकृतिक संसाधन का यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम नंबर 3 पर बात करते हैं, भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना और दोस्तों मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजना, वृद्ध उद्योग, जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था। इसके बाद दोस्तों हम नंबर 4 पर बात करते हैं, तो यहाँ पर इतिहास और संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर। तो यहाँ पर बताया गया है कि निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक तथा साहित्य कृति, इतिहास और संस्कृति। तो यहाँ पर नंबर 1 पर बताया गया है कि जनजातियाँ और उनकी अर्थव्यवस्था। नंबर 2 पर यहाँ पर बोलियाँ और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला। नंबर 4 पर धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा संत, लोक देवता और लोक देवियाँ। नंबर 5 पर यहाँ पर हस्तशिल्प और नंबर 6 पर मेले और त्यौहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र एवं आभूषण, उनके लोक एवं जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ सहित। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर साधारण मानसिक योग्यता की बात की गई है और तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। और नंबर 7 पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित यानी कि ये तीनों आपके 10वीं स्तर तक के। और दोस्तों नंबर 8 पर राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे। और नंबर 9 पर कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। तो दोस्तों इसका यह सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों जैसे ही ग्राम सेवक का कोई न्यू ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।